हे गाइस, वेलकम टू रेसलिंग चैनल। तो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रॉक ने कंफर्म कर दिया कि उनका रेसलिंग 40 के लिए मैच एंड कोडी रोड्स के लिए वो वापस आने वाले हैं। एंड गाइस, एरिक रोगन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सच में साइन हो चुके हैं। और गाइस, हमारे लोगन पॉल क्या जजमेंट डे ज्वाइन करने वाले हैं। तो फुल अपडेट है गाइस, वीडियो को लास्ट देना, चैनल को करना सब्सक्राइब ताकि आपको कोई भी अपडेट मेरे चैनल पे मिस ना कर सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अपडेट गाइस वो जुड़ी हुई है, वो है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल क्या गाइस ज्वाइन कर सकते हैं जजमेंट डे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगन पॉल को हेट मिलती है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन गाइस, उनसे भी ज़्यादा हेट मिलती है डोमिनिक मिस्टीरियो को। आप ये मानो कि डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे फैक्शन के मेंबर है, और जजमेंट डे में डेमन प्रिंस को फेस रिएक्शन मिल रहा है, रिया रिप्ली को मामी वाला फेस रिएक्शन मिलता है। लेकिन जो रिएक्शन डोमिनिक को मिलता है, जिस लेवल की बू मिलती है ना, उससे कम मिलती है। लेकिन गाइज, अपने जो हमारे लोगन पॉल है उन्हें भी बू मिलती है, लेकिन गाइज उस लेवल की नहीं मिलती। लेकिन गाइज, डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि क्या तुम्हें अच्छा लगा कि तुम पर्पल कलर के ये कपड़े पहने जो तुम अपने मतलब कॉस्ट्यूम पहन के आते हो, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड भाई साहब, मुझे लगता है ऑफर कर रहे हैं जजमेंट डे वाले डोमिनिक मिस्टीरियो की लोगन पॉल हमारी फैक्शन में आ जा, तू और ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ उन्होंने कही है, एंड इस पर रिएक्ट भी किया है लोगन पॉल ने। इवन लोगन पॉल भी चाहते हैं कि उनके करेक्टर के साथ बेस्ट हो। तो क्या गाइज, लोगन पॉल जजमेंट डे ज्वाइन करने वाले हैं, इज ए न्यू मेंबर ऑफ जजमेंट डे? तो गाइज, ये पता चल जाएगा। इवन जो ट्वीट किया उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा। और अगर लोगन पॉल ज्वाइन कर लेते हैं जजमेंट डे, तो भाई साहब, लोगन पॉल जजमेंट डे के अंदर द ग्रेटेस्ट करेक्टर बना सकते हैं। आप मान के चलो, एक तो बंदा सोशल मीडिया फेमस इन्फ्लुएंसर है, ऊपर से जजमेंट डे में आ गया, तो भाई सब किस लेवल की वो ले जाएंगे ना, अपनी जो रीच होती है अनबिलीवेबल हो सकती है। और चैंपियन भी हैं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता अगर जजमेंट डे ज्वाइन कर ले लोगन पॉल। तो ये देखो, ये र्यूमर है, ट्वीट है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी देखो गाइज, आप बताओ अगर लोगन पॉल जजमेंट डे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कैसा लगेगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइज, वो जुड़ी है हमारे एरिक रोवन से। तो एरिक रोवन जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, आई थिंक साइन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे नाम खींच लिए इंडीड शो से। क्योंकि इंडीड शो में वो आते हैं, क्या ये सुपरस्टार होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर जैसे, मतलब वो इंडीड शो में जाते हैं परफॉर्म करते हैं, तो वही चीज़ एरिक रोवन करते थे। लेकिन गाइज, अब माना ये जा रहा है कि एरिक रोवन ने सभी प्रमोशन से अपना नाम खींच लिया, एंड वो किसी प्रमोशन पर जा नहीं रहे, एंड किसी प्रमोशन पर अपना मतलब जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। एंड ये अभी अभी रिपोर्ट आई है। एंड गाइज, अपडेट तो ये भी है कि वो ज्वाइन कर चुके हैं डब्ल्यू को, साइन कर चुके हैं, अंकल हाउडी की फैक्शन में आ सकते हैं। तो गाइज, ये अपडेट है कि एरिक रोवन ज्वाइनिंग डब्ल्यू, साइन कर चुके हैं, तो वो अपना नाम खींच रहे हैं। तो गाइज, अगर वो साइन कर चुके हैं तो वो अंकल हाउडी की फैक्शन में आ सकते हैं। इवन ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ सकते हैं, क्योंकि वो भी पहले व्हाइट फैमिली के हिस्सा थे। लेकिन अगर ब्रॉन स्ट्रोमन और अंकल हाउडी एंड एरिक रोवन एक न्यू फैक्शन में आते हैं, और अलेक्सा ब्लिस, तो भाई क्या मज़ेदार फैक्शन बन सकती है। आप ये सोच के देखो, डिफरेंट करेक्टर में, अगर जो हमारे हैं मॉन्स्टर अमंग मैन वाले फैक्शन वो आते हैं स्टाइल में, जैसे पहले थे स्टार्टिंग में, आपको पता होगा ब्रॉन स्ट्रोमन आए थे मॉन्स्टर अमंग, इवन डेंजरस करेक्टर था वो उनका, वो उस करेक्टर में वापस लाओ यार मॉन्स्टर अमंग वाले। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस, वो जुड़ी शेमस से। शेमस भी आने वाले हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ जो कल होने वाला है, उसमें शेमस का भी आने वाला है इंटरफेरेंस। तो देखो गाइस, उनका क्या होता है फ्यूचर, क्या नहीं होता। भाई गाइस, नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस, वो जुड़ी ड्राफ्ट से। तो ड्राफ्ट भी होने वाला है बहुत जल्दी, स्मैकडाउन रॉ एंड एनएक्सटी। और अब ये बात नहीं है कि रॉ से अगर एनएक्सटी में कोई गया तो वो डी प्रमोट हो गया, ये बात नहीं होगी कोई। क्योंकि अगर आपने देखा ही होगा गाइज, जो हमारे आईवार है वो गए एनएक्सटी में, फाइनल टेस्टामेंटल भी एनएक्सटी में चलेगी। तो ये कोई वो बात नहीं है कि वो ये है कि अगर डब्ल्यू का सुपरस्टार कोई मेन रोस्टर पे यूज़ नहीं हो रहा, तो उसे एनएक्सटी में इसलिए भेजते थे डेवलपमेंट स्टेज, वो फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, फिर से उसने अपने लेवल पे लेके जा सके, फिर से उसे उस लेवल पे लेके जाएं और फिर वापस लाएं, वो चीज़ है। तो देखो, एनएक्सटी के सुपरस्टार भी जा सकते हैं, डब्ल्यू स्मैकडाउन एंड रॉ के सुपरस्टार एनएक्सटी में भी जा सकते हैं। देखो क्या होता है। बाकी ये अपडेट थी ड्राफ्ट से, और ड्राफ्ट में बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गई, तो गाइस हमारे फाइनल अपडेट जुड़ी गई, वो जुड़ी है हमारे द रॉक द फाइनल बॉस से। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो पैकेट डाली, आपको मैंने बताया था कि वो इंस्टा पे अपनी स्टोरी चला सकते, तो उन्होंने वीडियो पैकेट डाली। उस पर उन्होंने रेसलमेनिया 40 को कहा था ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया एवर, एंड उन्होंने ये भी कहा कि मैंने परफॉर्म किया, मेरे साथ मेरा कजन था,
कोडी रोड से सेथ रॉलिंस थे, इन सब ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। इवन सेथ रॉलिंस ने शील्ड का काम किया कोडी रोड्स के लिए, वो टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण मैच जीता है कोडी रोड्स। एंड उन्होंने हर चीज़ का अप्रिशिएट किया, उन्होंने ये किया कि रसलमीनिया बहुत ज़्यादा मैसिव और अच्छी रसलमीनिया रही, ऐसी रसलमीनिया हुई जो आज तक कभी नहीं हुई। एंड रसलमीनिया 40 को उन्होंने ये कह दिया इज द ग्रेटेस्ट रसलमीनिया ऑल टाइम। और ये भी कहा कि वो कोडी रोड्स के लिए आने वाले हैं, जब भी आएंगे कोडी रोड्स के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ मैं रेसलिंग से दूर था, लेकिन मैंने 15-20 दिन पहले ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी, एंड आई एम ट्रेंड टू अपार्टमेंट, मैंने ट्रेंड किया सब कुछ किया ताकि मुझे कोई इंजरी का इशू ना हो। एंड रॉक ने ये भी कह दिया कि उनकी हेल्थ पूरी ठीक है, हाँ वो थोड़े थके हुए हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया रेसलिंग में 30 मिनट्स के लिए, एंड दैट्स वाई दे नीड सम रेस्ट। बट उन्होंने ये कहा कि वो रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान्ड है, रेसलमेनिया 41 में रॉक आने वाले हैं, एंड उनका मैच होगा रोमन रेंस से या कोडी रोड से। बाकी उन्होंने कोडी रोड्स को चैलेंज कर दिया, मुझे लगता है कोडी रोड्स ज़्यादा चैंपियन रहने वाले हैं। कोडी रोड्स हारेंगे रोमन रेंस रॉक से, एंड रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया 41 में। गाइस रोमन रेंस वर्सेस रॉक जो होना था हॉलीवुड ये रेसलमेनिया 40 में, आई थिंक वो रेसलमेनिया 41 में होगा। उन्होंने पूरी चेतावनी दी है कोडी रोड्स को कि मैं आने वाला हूँ तेरे लिए, मैं वो चैंपियनशिप लेने वाले हैं। उन्होंने कहा था जाते मंडे नाइट रॉ से कि मैंने ये चैंपियनशिप कभी नहीं जीती, आई नेवर वॉन डब्ल्यू यूनिवर्सल टाइटल। एंड भाई साहब वो टाइटल लेने वाले हैं, टाइटल लेने आने वाले हैं क्योंकि उनकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता है उनकी मूवी आ रही है स्मैशिंग मशीन, एंड उसके बाद वो भाई साहब जाएंगे कोडी रोड्स के पास, एंड कोडी रोड्स को हराएंगे मुझे तो लग रहा है, एंड इनका मैच होगा उसके बाद रसलमेनिया 41 में मैच होगा सबसे ग्रेटेस्ट मैच। और आप वो देख के हैरान हो जाओगे क्योंकि रसलमेनिया 41 का मैच पहले ही तय हो चुका है, ये मैच होगा ही होगा रॉक वर्सेस रोमन एंड रॉक वर्सेस कोडी, ये दो मैच होंगे पहले और लास्ट में रसलमेनिया 41 में। तो देखो गाइस बाकी एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल है रसलमेनिया 41 का, तो ये पहले डिसाइड हो चुका है कौन कौन से मैच होने वाले। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को ताकि आपको और अपडेट मिल सके, एंड वीडियो को लाइक कर दो।